तो गाइस गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी सुबह के 8 बजे उठे हैं क्योंकि लेट सोए थे रात में, और देखते हैं अभी कहाँ निकलते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके। ठीक है, सो मीनवाइल आपको नज़ारे दिखाता हूँ। मेरे पीछे देखो कितने सही खेत वेत हैं। सो प्रॉपर्टी लेने का एक रीज़न ये भी था कि खेत वेत के पास है, तो मॉर्निंग में शायद प्रॉब्लम हम जाएंगे वहाँ पर वो सब करने के खेत हैं, तो देखते हैं एक बार ट्राई करके। जब तक आपको एक बार व्यू तो दिखाई देता हूँ चारों तरफ के। जी देखो सुबह सुबह उठ के पूछ पा रहा है। हाँ ओ शर्मिले, ओ शर्मिले ये मुर्गी फार्म था पता है कहाँ पर? कहाँ था मुर्गी फार्म? ये पहले मुर्गी फार्म होगा पक्की बात है। तुम यही रहते थे पहले? अरे उसकी बनावट देखो ना यार। अरे हाँ देख रही, तो तुम यहीं से लेके गए थे? हमारे यहाँ हमने कर, तुम्हारे पापा तो यहीं से ले गए तुम्हें? चले देखो ये थी मुर्गी और इसको पापा यहीं से पकड़ के ले गए थे। मेरे पापा यहीं से ले गए थे मुझे। 20 रुपए का चूजा लेके गए थे, खिलाफ उड़ा के बड़ा कर दिया। तुम्हारे बच्चे होंगे चूजे, मुझे क्यों बोल रहे हो? मेरे बच्चे तो जो भी हैं, मैं यहाँ से तो नहीं लेके गया था। नहीं है ना, देखो ना मुर्गी वाला मुर्गी ए, के चूजे मुर्गी के कहाँ है? नाना देख यहाँ से लेके गए थे ये 20 रुपए का चूजा। ये देख बड़ा होके मेरे से सर पे बिठा दिया लाके। साला बोला बेटा चिकन है तगड़ा ले जा। साला पता चला काटने से पहले ही बोल दिया, कह रहा देख अगर काटा तो पाप लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। आज तक वो चिकन नहीं खा पाया मैं। लोगों हो गया विदा लेने का टाइम यहाँ से, और मौसम देखो धूप निकली हुई है, बहुत सही लग रहा है। ये कुछ तो अपना पैकिंग वैकिंग कर रही है, और ये हमारा पहलवान कुछ तो उछल रहा है। क्या कह रहा है? मैं कुछ नहीं कह रहा, बस वीडियो में आना चाहता हूँ। वीडियो में आना चाहता है तो वीडियो ये देखो। हाँ बोल, क्या बोल रहा था? नहीं कुछ तो बोल रहा था, कुछ तो बोल रहा था। अरे ले तो लिया तो। इधर खेतों में लोग काम शुरू करना शुरू हो गया। हमें साला आलसी 10 बजे तक ऑफिस जाते हैं, ये सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं, और अभी भी बहुत ऐसा टाइम नहीं हुआ है। 9:30 के अराउंड टाइम हो रहा है यार। इस टाइम पे धूप निकल आई है बहुत तेज, और लोग काम वाम पे लगे हुए हैं खेतों में। चलते हैं हम लोग भी। हाँ जी खा लो, अद्दू ने बिस्किट खिलाए इसको, कितना सही से खा रहा है ना। कारपेट पे डाल दिया, गंदी कर दी। चलो चलो भैया निकलते हैं खेतों में से और गाड़ी में से, पहुंचते हैं अगली मंजिल की तरफ। यह चाबी कहाँ है मेरी गाड़ी की? और किसके पास है मुझे भी नहीं पता, मेरे पास ही है। चौंक गए, सारी गाड़ी खाली, मैं अकेला। यही तो जादू है भाई, जादू वादू कुछ नहीं है यार। सो ये लोग उतर के गए, तब तक मैंने कहा फ्यूलिंग करा लेता हूँ गाड़ी का, तो मैं खड़ा हूँ पेट्रोल पंप की लाइन में, क्योंकि यार वैसे ऑलरेडी लेट हो गए, थोड़ा शर्मा जी ने लेट किया, थोड़ा और सिनेरियो पे लेट हो गए। चलते हैं फटाफट क्योंकि हमारे पास टाइम है मोटा मोटी 4-5 बजे तक का, उसके बाद फिर हम निकलेंगे घर के लिए वापस, बिकॉज मिडनाइट तक तो पहुँचना ही है, सो दैट हम लोग कल मॉर्निंग के अपने जो रेगुलर शेड्यूल हैं मंडे ऑनवर्ड सो कॉल्ड उनको कर पाए फॉलो। सो एनीवेज चलो डलवाते हैं गाड़ी के अंदर फ्यूल, और फिर चलते हैं आगे कहीं किसी पॉइंट को ढूंढते हैं जो हमारे लिए और आपके लिए एकदम बढ़िया होगा, और कंटिन्यू करते रहते हैं ब्लॉग को उसी तरीके से। बने रहो आप साथ साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक भी मार दो वीडियोस पे। सो फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं अपने होम स्टे से, बहुत देर हो गई, पेट्रोल पंप से निकल गए। ये देखो बीच में ब्लॉग बनी थी, मैंने अकेले बना लिया। अभी जो है हम लोग पेट्रोल पंप से निकल के, और हम लोग आगे जा रहे हैं टीरी की तरफ। तो टीरी पहुंच के दिखाते हैं वहाँ पे कैसा है क्या है। हमारा प्लान तो था कि ऋषिकेश जाने का, बट पता नहीं क्या हो गया बीच में, कहाँ वो टूट फूट हो गई। तो अब हम जा रहे हैं टीरी से, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट का कहाँ का क्या होगा।
ये है कुछ आगे का व्यू और रोड एकदम बहुत अच्छी है। अभी हम देहरादून पहुंचे नहीं है ना, रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहे हैं और फिर भी चढ़ा के। नहीं अभी देहरादून हम लोग पहुंचे नहीं है ना, हम देहरादून एयरपोर्ट से इधर ऋषिकेश वाले रोड पे, और हम एयरपोर्ट के आसपास ही रुके हुए थे 8-7 किलोमीटर। अच्छा रास्ते टेढ़े मेढ़े क्या, पहाड़ों वाले रास्ते आ गए, पहाड़ों वाले भाई क्या सही व्यूज तो अच्छे हैं, जबरदस्त ऐसे धूप आ रही है छन छन के पेड़ों के बीच में। ओ भाई अड्डू सही है ना व्यू, धूप की वजह से व्यू नहीं दिख रहे। चलो ये लो छाया लेके आ गया, क्या सही छाया आ गई ना है? जा रहा है एनिमल देखने, चार आस पास बैठे हैं, मैं सिनेमा हॉल वाले एनिमल की बात कर रही हूँ, चलेगा? हाँ तो बच्चे अलाउड नहीं है तो बच्चों को छोड़ चलेंगे, चलो एनिमल देखने चलेंगे। नहीं हम चलेंगे, सबसे ज्यादा एनिमल मूवी नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई है। ये हम आ गए हैं जंगलों में, दोनों तरफ हमारे एक तरफ फॉरेस्ट है और व्यूज तो काफी अच्छे हैं यहाँ के। ये आ गया है एक ब्रिज जो हम क्रॉस करेंगे, तो ये ब्रिज जो हम क्रॉस करके व्यूज एक्चुअली बहुत सही है, मौसम भी बहुत प्लीजेंट है, मतलब उतना ठंड नहीं है कि जैकेट वैकेट चाहिए, बस सही है भाई। मम्मा के पास आओ लो, इधर से आओ। क्या हो गया? दोस्तों कुछ तो देखने आए थे और कुछ देखने लगे, और नीचे कुछ व्यूज है आपको दिखाता हूँ मैं घुमा के जाऊँगा। ये हम लोग एक्चुअली ब्रिज के ऊपर थे, ब्रिज के ऊपर से अगर आप यहाँ से देखोगे ये व्यू है, और एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो नीचे नीचे इन्होंने क्या किया हुआ है, पानी को ऊपर से ये पाइप के थ्रू कहीं ले जा रहे हैं, देखो इस वाले सिस्टम के थ्रू, ये सिस्टम अगर आप देखोगे यहाँ से तो देखते हैं कहाँ जा रहा है, दूसरी तरफ से इधर कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा वो उधर की तरफ है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो लास्ट में नाली सी जा रही है वहाँ, और बाकी ये यहाँ पे लोग हैं अपने कपड़ा वपड़ा धो रहे हैं बढ़िया ठंडा पानी में और मजा ले रहे हैं, थोड़ी हवा है यहाँ पे। बच्चों चल लो जल्दी से, चलो चल तो बहुत हो गए, चलो हो गया, बहुत फोटो बन गए, शॉट बन गए, सेल्फी हो गई, चलते हैं अब आगे वरना शाम इधर ही हो जाएगी। गुड्डे दे दे, गुड्डे ले लो, मिल जाएंगे। सो गाइस हम लोग आ गए हैं नरेंद्र नगर, और ये देखिए सामने नीचे है नरेंद्र नगर, डर लग रहा है कहीं गिर ना, और काफी ऊपर है हम लोग पता नहीं कहाँ से आए हैं, आप इमेजिन नहीं करोगे, सामने आपको वो सड़क दिख रही है, हम एक टाइम पे वहां से आ रहे थे और यहाँ कहीं आगे जाके उधर कहीं ब्रिज था, हम ब्रिज से निकल के आए, फिर चढ़ते 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 ऊपर आ गए, और फिर हमें और ऊपर जाना है, ये देखो सड़क जा रही है इस पहाड़ के कहीं तरफ जाना है, उधर जाके कहीं तेजी धीरे कुछ आएगा। एल्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, अभी हम लोग हैं किधर गया एल्टीट्यूड, कुछ 1247 मीटर, मतलब मोटा मोटी 4000 फीट के आसपास, और चाय पीते हैं यार, चाय कॉफ़ी लेते हैं, बढ़िया धूप सेकते हैं और निकलते हैं, फिर उसके बाद आराम से आगे के लिए। चाय बन गई, जल्दी लाओ चाय, तो चाय वाले जल्दी दो चाय, चाय दे दो,
चाय ले लो, चाय चाय रखी हुई तो है, मेरे को नहीं पीना सबकी चाय। चाय और चाय आपकी भी है? हाँ जेम्स चाहिए। जेम्स वो होता है छोटा छोटा गोला। शीतल अंदर आ जाओ, बाहर बैठो। देखिए क्या सही व्यू है यहाँ पे। ये पेड़ है किस चीज का है पता नहीं, और आप देख सकते हो इन जनरल बहुत ही सही व्यूज हैं। और ये रहे दूसरे ग्रीनरी, और हाँ पता नहीं अब तो कहाँ से आए, तो मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि अभी यहाँ से आए। काफ़ी सही है, ग्रीनरी देख रहे हो बहुत बढ़िया एकदम। और पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं, शोर वो थोड़ा आ रहा होगा, बट इट इज़ फाइन, ऑप्शन नहीं है। ये चंबा शहर है जो आपको दिख रहा है पीछे पेड़ों के। तो अब चंबा क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे टिहरी। ये यहाँ का एक बस स्टैंड है और ये लोग खड़े हुए हैं। सुबह को थोड़ा परेशान, तो सोचा थोड़ा सा एक ब्रेक ले लें 5 मिनट का, उसको वॉमिटिंग टाइप का फील हो रहा था। चलो चलते हैं फिर। सो फ्रेंड्स, हम पहुंचने वाले हैं टिहरी डैम पे, और अभी जो है हम आपको दिखाते हैं यहाँ के व्यूज। ये हैं यहाँ के व्यूज जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सामने का व्यू काफ़ी अच्छा है। हाँ अच्छा भी है, बढ़िया भी। पहाड़ भी बहुत जायंट सा बड़ा पहाड़ है, पता नहीं क्या है, शायद यही हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। तो यही पहाड़ है जिसके आजू बाजू में है। तो ये भी हम कोई नैल नाम की जगह पे, नैल जहाँ पे वाटर ब्लॉक किया गया होगा ना। राइट, काफी ऊंचा दिख रहा है, पता नहीं आप कैमरा में आपको शायद ना समझ में आए। ये रही हमारी गाड़ी, और जहाँ पे रोका था हमने इसलिए कि देखो यहाँ पे, तो मैं दिखाते हैं कुछ। हम यहाँ खड़े हैं ऊपर, यहाँ से कुछ वाटर स्ट्रीम आ रही है, एक वहाँ से एक इधर से, और ये है वो जगह जहाँ हम जाने वाले हैं डैम। तो ये पानी भरा हुआ है और हम चलते हैं फटाफट, अब तो भाई देखने के बाद नहीं रुका जा रहा है। ठीक है तो पहुँचते हैं, पानी तो भाई है गजब। शायद हम इस पहाड़ से यहाँ से जाएंगे और उधर आ जाएगा फिर। चलो